है गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैं अपने आपको मेडिसिन दिखा रही हूँ। आज अपनी मैं व्लॉग में आपके साथ कैसे खाती हूँ मैं दवाइयाँ वो दिखा रही हूँ। बहुत आसान सिंपल है, अगर इस तरीके से बच्चों को भी खिलाओगे ना बहुत आसानी से खा लेंगे। मुझे दवाई खाना बिल्कुल भी नहीं आता था और मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया था, क्योंकि मैं पहले दवाई अपनी जीप पर रखती थी और मुझे वॉमिट हो जाती थी क्योंकि उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। लेकिन अब कितना भी बड़ा कैप्सूल वगैरह हो मैं आसानी से खा लेती हूँ। ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि तेरा दवाई खाने का तरीका ही गलत है। उन्होंने कहा पहले मुंह में पानी भर और फिर उसके अंदर पानी के अंदर दवाई डाल और पानी को सटक ले बस आराम से। और रियली बताऊँ, आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपको दवाई खाने में प्रॉब्लम होती है, इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी छोटी बेटी भी आसानी से खा लेती है। मेरी थ्रेडिंग देखिए, ये इधर की कितनी सारी है और इधर की कितनी कम। ये मैं बना रही थी मेरी बेटी को, वही मम्मी डर लग रहा है, वही मम्मी डर लग रहा है। बस शीशा पकड़वाया था मैंने कि तो शीशा पकड़ ली, मैं प्लकर से निकाल लूँगी, इतनी गंदी लग रही है। फोर हेड कर लिया था मैंने लेकिन ये रह गया, और ये कम से कम 15 दिन से ज़्यादा ऐसे ही चल रहा है मेरे। इसकी भी ग्रोथ दोबारा आने वाली है लेकिन अब आई हुई है पूजा, नीचे सुनीता दीदी की बेटी, वो बना देगी थ्रेडिंग। ये ब्लॉग नेक्स्ट डे का है, मैं आई हूँ दवाई लेने के लिए। और जो ये मतलब दवाई की पर्ची है ना, ये इन डॉक्टर के पास ही रहती है, बस अपना नाम और एड्रेस बताना होता है और दोबारा से हमें दवाई मिल जाती है। गेहूँ डाला हुआ है छत पे, तो गेहूँ को पलटा पलटी करने आना है। धूप देख रहे हो कितनी तेज हो रही है, बहुत तेज। ये गेहूँ मेरे हस्बैंड ने कल धोया था, मतलब सुबह के टाइम धो दिया था उन्होंने, जैसे कि पिछला गेहूँ भी मेरे हस्बैंड ने धोया था, इस बार का भी उन्होंने ही धोया है। और गेहूँ धोना भी मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे सिखाया था, लेकिन अभी वो छुट्टियों पे एक तरीके से आप सोच ले घर में है, तो फिर उन्होंने धो दिया था और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी। लेकिन हाँ, जब वो घर में होते हैं और गेहूँ धोने का टाइम होता है तो वही धोते हैं। मैं तभी धोती हूँ जब टाइम ना मिले उनको, तो दोनों मिलके ही कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा काम है या उनका काम है, क्योंकि आटा तो जब पीसेगा ना इस गेहूँ का तो दोनों ही रोटी खाएंगे। अब जैसे उन्होंने डाल तो दिया था कल, लेकिन कल इतनी अच्छी धूप नहीं थी, सिर्फ पानी अच्छे से निकला था। आज मैं और धूप लगवा रही हूँ और इसे ये हमारी एक मच्छरदानी थी, पहले छत पे ही सोते थे ना हम लोग, तो इससे कवर कर लेते थे, बट अब काफ़ी टाइम से सोते नहीं हैं और इसलिए इसको अब इससे कवर करने के लिए। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो जानते हैं कि कबूतर मेरे गेहूं के साथ क्या करते हैं, पूरा झुंड लगा लेते हैं। इवन मच्छरदानी भी काट रखी है उन्होंने, जगह जगह से बहुत सारे दाने गेहूं के नीचे गिरे पड़े हैं। बीच बीच में चलाना ज़रूर है पड़ता है, क्योंकि अगर इसको ना चलाए ना तो फिर अच्छे से सूखता नहीं है और आटा ना मोटा पिसता है। आज भी ये गेहूँ अच्छे से हुआ नहीं था, मैंने अपनी मम्मी को बुला लिया था थोड़ी सी सफाई करने के लिए। और हवा देख रहे हो आप कितनी तेज़ चल रही है, हवा के नाम पे ये कोई हवा नहीं है, लू है, बहुत बढ़िया वाली लू है ये। इस यहाँ पे खड़े होने का मतलब है अपनी तबीयत और ख़राब करना। बस मैं पौधों में पानी डालूँगी और चली जाऊँगी, क्योंकि पौधों में पानी सुबह नहीं डाला था और कल शाम का ही डाला था। गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से ना पौधे मुरझा गए हैं एकदम से, और अभी भी मैं देख के अनदेखा कर दूंगी तो शाम तक और भी ज़्यादा झुलस जाएंगे, क्योंकि मुझे ही थोड़ी देर में इतनी बुरी हालत हो गई है तो पौधे का, तो कई पौधे इसी वजह से ना पूरे डैमेज हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ही डाल दूंगी ताकि शाम तक चल जाए, फिर शाम को जैसे मैं आऊँगी चाय वाय लेके ऊपर तब डाल दूँगी बाकी पानी, बस इनको थोड़ा सा आराम देने के लिए कि परेशान ना हो। मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें पानी दे दूँगी। मेरे हस्बैंड दवाई लेके आए थे ना मेरे साथ, तभी वो ऊपर आ गए थे, मैंने उनको बोला था अभी रुक जाओ, बाहर से भी गर्मी से आए थे और ऊपर आके गेहूँ डाला उन्होंने, तो शायद उन्हें बहुत गर्मी लग रही होगी तो वो चले गए थे नीचे, नहीं तो वो कभी भी प्लांट्स को बिना पानी दिए जाते नहीं हैं या इस हालत में छोड़ते नहीं हैं, तो सुबह शायद इतनी बुरी हालत ना हो। ये देखिए पूरा का पूरा, ये तो बहुत ही छुई मुई पौधा है, इनडोर पौधा है वैसे ये, लेकिन कोई चीज़ नहीं है अभी ढंग से लगाने के अंदर मेरे घर में, और लगाऊंगी भी तो कहाँ पे लगाऊंगी, छोटा सा कमरा है सारा भरा पड़ा है, तो छत पे ही रख देती हूँ। इसको थोड़ा भी लेट हो जाता है ना पानी देने के लिए तो बस ये मतलब रूठ जाता है एक तरीके से, आप ये समझ लो। और अगर इसे आज पूरा दिन पानी ना दे इतनी हालत में तो ये कल तक पूरा ख़त्म हो जाएगा पौधा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कोने में अजवाइन का पौधा है, बाकी जो खाली गमले जिसमें मिट्टियाँ हैं उसके अंदर भी मैं पानी डाल देती हूँ। सफाई हो रही है, कब आयो? मैं तो ये डेकोरेशन दिखा रही हूँ बस, ये डेकोरेशन सन्नी के बर्थडे की है जो कि 3 बच्चों ने मिलके की है,
दो हमारी नमूनी और एक गली की। कितने सारे बलून हट गए यार, ये सारी जगह बलून बलून लगे थे, हट गए। हाँ उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, इस चक्कर में मैं नहीं आई थी ना, तभी नहीं दिखाई थी मैंने। दीदी तो बस खाना बनाने में लगे थे उस दिन अपने बेटी दामाद के लिए। ये है दीदी के दामाद और उनकी बेटी, ये बेटी की बेटी, ये हमारी पार्लर वाली इनकी बेटी, और ये भैया और दीदी। ये इस बेटे का जन्मदिन था। और इधर छत पे मैं वेट कर रही हूँ, मेरे पापा टमाटर छाट ले तो मैं नीचे लेने के लिए जाऊँ। और पीच से कलर में है जो मेरे पापा हैं, टमाटर खरीद रहे हैं मेरे लिए। टमाटर बॉम्बे टमाटर 10 रुपए किलो टमाटर सही है। ये वाले मुझे नहीं अच्छे लगते, ये तो हम कच्चे खाने के लिए ले रहे हैं ना। लाल टमाटर लो 10 रुपए किलो। अच्छा कमेंट्स बॉक्स में एक चीज़ शेयर करना कि किसके पापा या ससुर जी सब्जियां घर में लेके आते हैं। मेरे पापा तो बहुत लेके आते हैं मेरे लिए। अपने लिए नहीं लिया, नहीं लिया। ले लो कच्चे लगा के खा लेना नमक के साथ। अरे पड़ा तो है, कौन से दूसरी सब्जी में डालने वाला पड़ा है ना। भीजा भुजा में वो दोनों मिक्स है। सब्जी लेने जाओगे वो? सब्जी लेने जाओगे तो सब्जी लाना लेना। कुछ नहीं, भिंडी भिंडी ले आना, और क्या लाओगे? लाल टमाटर लो, पिज्जा बनाना। ये लेते जाओ, मैं नानी के घर से आ रही हूँ। हम भी क्या तुम भी क्या, आ जा नीचे खेलने के लिए। नहीं बोले तो किचन की सफाई कर रहा है। नहीं अभी पिज्जा बनाया था तो ये साफ कर रहा हूँ। मैं सोचा सारी सफाई कर रहा है, गैस भी साफ कर दे फिर जब वक्त आता कर भी देता हूँ। देख तेरी किचन कब की साफ की हुई है, अब दोबारा हाथ मांग रहा तेरा मर्द वाला। ऊपर देख अभी मेरे को जरूरत नहीं है करने में, अभी कोई देखने वाला नहीं आ रहा तेरे को। रेडी है खोल के दिखाओ। ओ धीरे धीरे आँच पे लगा डो, धीरे धीरे आँच पे नीचे देखिए ब्राउन। हाँ हाँ हो गया हो गया, पर जब धर धूम धूम गिर जाए। ये मम्मी के साइड की बहुत है। और ये घर मेरे पापा का टू साइड ओपन है ना, तो ये जो दूसरी गली है ये काफ़ी चौड़ी है, सड़क की तरह काम करती है। तो यहाँ पे हमने अपना कार्ड लगा रखा है क्योंकि शॉप काफ़ी टाइम हो गया बंद किए हुए, और जैसे भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है अपना, इसे कहते हैं दाल रोटी चलाना लॉकडाउन में भी। और मैं अपनी मम्मी के घर से काफ़ी देर हो गई है आई हुई हूँ, मतलब 15-20 मिनट हो गए हैं, और चाय बना रही हूँ। हस्बैंड भी पियेंगे, मैं भी पीऊँगी, तो इसलिए मम्मी बना रहे थे बट मेरे को ऊपर आके बनानी थी हस्बैंड के लिए, और मुझे पता है उन्होंने पीनी है, तो फिर मैं नीचे पी के नहीं आई थी। और दवाई अभी खा रही हूँ मैं, तो मुझसे बहुत ज़्यादा चाय पी नहीं जा रही, जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ आपको कि काफ़ी शौकीन है मुझे चाय की, बट अभी नहीं पीने का दिल करता। नहीं तो कई बार क्या होता है जैसे नीचे भी पी आई तो ऊपर भी बना ली। अदरक मैंने कद्दूकस करके डाल दी थी, अदरक वाली चाय हम पूरे 12 महीने पीते हैं, मतलब गर्मी भी होगी अदरक डालेंगे चाय, उसके बीच में साइड में थोड़ी सी सौंफ इलायची डाल दें, लेकिन अदरक जरूर जाएगी, अदरक के बिना नहीं पसंद है। आप इसे काढ़े का मसाला बोल दें या फिर चाय का मसाला, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, चुटकी भर डालने से ही काफ़ी अच्छा आ जाता है इसके अंदर टेस्ट। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मुलेठी दालचीनी और जो भी हमारे खड़े मसाले होते हैं जैसे कि काली मिर्ची लौंग, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें डाल के बना रखा है, जब काढ़ा बनाती हूँ तो इसी में डाल देती हूँ। और दलिया बनाया था, सिर्फ आलू थे तो आलू डाल के ही बनाया था,
और ये थोड़े से बर्तन हैं जो कि करने वाले हैं, और ये सुबह चाय का एक पतीला, चाय के ही बर्तन जो अभी हुए हैं ये दोपहर के खाने के रहते हैं। दूध पलट दिया था जग में और सामान जो जहाँ का है वहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि सामान फैला रहता है ना तो ऐसे लगता है पूरी किचन में काम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर चीज़ें अपनी जगह पे चली जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। घर गृहस्थी में ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, हम कभी भी इस तरीके से ये नहीं सोच सकते कि जैसे हम सोचते हैं कि हमेशा एकदम परफेक्ट रहे तो रहे, चाह के बिना हम उस तरीके से नहीं बन सकते, एकदम टाइम टू टाइम सामान को इधर का उधर ना हो पाए। मेरे घर तो मेरे को पक्का पता है नहीं होता है, बिगड़ता है तभी उसे संवारा जा सकता है, अगर संभला ही रहेगा तो काम ही क्या रह जाएगा, सामान फैला था तो उसको सही करेंगे, तो यही तो काम होते हैं घर के अंदर सबसे ज़्यादा। बस चाय भी देखिए, आपके साथ ब्लॉगिंग करते करते चाय भी मेरी बन के तैयार है। दूध वाली चाय ज़्यादा नहीं पीते हम, थोड़ा मतलब लाइट दूध रखते हैं, क्योंकि दूध वाली चाय बहुत हैवी सी लगती है। और मैं तुलसी के पत्ते डालना भूल गई थी, तो अभी जैसे तबीयत ख़राब है और कोविड के वगैरह का पंगा है ना थोड़ा कोल्ड वोल्ड का, तो तुलसी ज़रूर डाल लेते हैं हम लोग, और जो इसके अंदर पत्ते जैसे झड़ने वाले होते हैं वो डाल लेते हैं, या फिर जो नीचे गिरे होते हैं वो उठा के डाल लेते हैं। और मेन अभी तुलसी लगाने का मेन हमारे घर में यही मकसद है कि तुलसी चाय में यूज़ हो जाए या काढ़ा वगैरह बनाए तो उसमें। देखिए उबल भी गया, अभी बस मैंने पानी के नीचे टैप के नीचे रखा ही था, फटाफट से चाय उबल गई है। चलिए हम पी लेते हैं चाय। अंजू नानी चाय पीनी है? दोनों नहीं, तूने पीनी है? ठीक है, संप्रीत पिएगी? ठीक है, एक ही पिएगी छोटी वाली बेटी, कोई ज़्यादा पीती है चाय के मामले में, पूरी की पूरी मेरे पे गई है। क्या हो गया भाई? हाँ, चाय के मामले में पूरी गई है छोटी वाली बेटी मेरी मुझ पे। मैं और मेरे हस्बैंड तो पियेंगे गिलास में, और उसको दे दूंगी कप में, उसे कप का ज़्यादा शौक है, कप लेके एक दिन नानी के घर से उठा के वो। और इधर मैं अपने हस्बैंड की चाय इनको यहीं पर पकड़ा दूंगी, क्योंकि ये टीवी देख रहे हैं, मूवी चल रही है इनकी। अपनी और अपनी बेटी की चाय छत पे ले जाऊंगी, दवाई ले जाऊंगी, रस का डिब्बा ले जाऊंगी और पानी ले जाऊंगी। बच्चे ऊपर गेम खेल रहे हैं, चैलेंजिंग गेम जो होती है, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही फ़नी गेम थी और काफ़ी अच्छा लगा देख के, मुझे भी थोड़ा दवाई खाते खाते जैसे बोरियत सी हो रही थी। ये देख तेरी चप्पल उल्टी है, वीडियो बना रहे हो? मम्मी इसके बारे में पहले बना दो ना, मजा मजा लगेगा। इसलिए लगेगा और एक मीता ने हमने डेयर ये भी लगा, गमले की बेल्टी मुंह पे लगाई, गमलों को हाथ लगाया तो मजा ही आ जाएगा। और उसकी जगह कुछ और सोच ले, नोनी अभी भी कह रही हूँ नहीं बहन, नहीं भाई उसे कुछ और कर लो, आंटी भी तो मना कर रही है, बड़ों की बात माननी चाहिए। खाली गमला भी है तेरे, आएगा ना तभी। इतनी समझदार है ये लड़की। मेरा निकल गया है, मेरा काढ़ा पीना है, बट अंजू मेरे लिए बना के ला रही है कुछ काढ़ा। दो गोलियां रहती थी जो अब खा रही हूं। चल तब तक अंजू की बारी, अंजू को छोड़ो संपत की बारी।
चाय के साथ साथ बच्चे अपना गेम भी इंजॉय कर रहे हैं। वीडियो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी और इस व्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए हां, तूने भी निकाली इसके बाद क्या? हां मैं भी, वो तो आएगा ही। पहले तुम मुझे वो दिखाओ, उसमें अगर वो दिखाओ, ये वो वाली पर्ची का है। कौन सी इसमें क्या है? इसको मम्मी संभाल के रखो, कहीं मेरी बारी आने के लिए बड़े मजे से ना अंडे डाल दे। ये वाली पर्ची क्या? कौन सी? नहीं, ये वाली काड़े वाली।